Good morning, students. As you all have already studied the different physiology or different system of human body, we have already discussed about respiratory system, reproductive system, digestive system. These are all the systems which performs the different functions of human being or human body. So today is one more function which helps in control and coordination of human body, that is, they help in whatever responses we show against any stimulus is controlled and coordinated by different types of things which constitute nervous system. So today in this class we are going to discuss about nervous system, or you can say human nervous system. So now, what is nervous system? See, nervous system सबसे पहले इसे हिंदी में बोला जाता है तंत्रिका तंत्र. हिंदी इसका क्या होता है? तंत्रिका तंत्र. तो ये तंत्रिका तंत्र और नर्वस सिस्टम क्या है? दिस इज अ सिस्टम विच हेल्प्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस थ्रू आउट आवर बॉडी. दैट मीन्स सपोज इफ वी टच एनी हॉट ऑब्जेक्ट, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल द सेंसेशन इज क्रिएटेड इन द स्किन. बट वॉट रिस्पॉन्स डू वी शो? हम उसके बदले में क्या रिस्पॉन्स दिखाते हैं? हम जस्ट अपना हाथ हटा लेते हैं. अब ये जो हम रिस्पॉन्स, इमीडिएट जो रिस्पॉन्स दिखाएं गर्म चीज़ को छूने के बाद अपना हाथ हटा लेना, ये कैसे होता है? दिस इज डन बाय द हेल्प ऑफ नर्वस सिस्टम. अब ये नर्वस सिस्टम से कैसे होता है? नर्वस सिस्टम जो है उसमें नर्व्स होते हैं. यानी कि नर्व्स क्या है? नर्व्स जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड के थ्रू कंप्लीट होता है, वैसे ही नर्वस सिस्टम नर्व्स के थ्रू होता है. अब ये नर्व्स में इम्पल्सेस के फॉर्म में मैसेज ट्रांसमिट होता है. मैसेज का मतलब इम्पल्स, यहाँ पे मैसेज को हम बोलते हैं इम्पल्स. अब ये सेंस ऑर्गन से मैसेज लेके आता है कि इस सेंस ऑर्गन को गर्म चीज़ टच हुआ है, वो मैसेज लेकर के जाता है ह्यूमन नर्वस सिस्टम में, और वहाँ से ह्यूमन नर्वस सिस्टम में रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है, और वो रिस्पॉन्स जो है वापस जाके हमारे मसल सेल्स को, यानी कि हमारे हैंड को मैसेज देता है कि यू जस्ट हैव टू रिमूव योर हैंड्स. तो ये क्या हो गया? स्टिमुलस फॉर हॉट ऑब्जेक्ट एंड वी हैड शोन द रिस्पॉन्स दैट वी हैड जस्ट रिमूव्ड आवर हैंड्स. तो दिस इज द रिस्पॉन्स. सो ह्यूमन नर्वस सिस्टम क्या है? इट इज़ अ सिस्टम विच हेल्प्स इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, और यू कैन से इट हेल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस थ्रू आउट द बॉडी. नाउ अब ये नर्वस सिस्टम कैसे बना है? जैसे हम लोग जानते हैं कि कोई भी ह्यूमन बॉडी कैसे बनता है. पहले सेल होता है विच इज़ द बेसिक यूनिट. सेल के बाद ग्रुप ऑफ सेल्स मिलते हैं जिससे टिश्यू बनता है. अब ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलता है जिससे ऑर्गेन का फॉर्मेशन होता है. ऑर्गेन जब मिलते हैं, दो तीन ऑर्गेन जब मिलकर सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो ऑर्गेन सिस्टम बनता है. एंड व्हेन ग्रुप ऑफ ऑर्गेन सिस्टम कंबाइंस टुगेदर, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है. सो यहाँ पर भी सिमिलरली वैसे ही होता है. नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम क्या हो गया? एक ऑर्गेन सिस्टम हो गया. अब आपको पता है कि ऑर्गेन सिस्टम के पहले ऑब्वियसली बात है उसका बेस भी कोई सेल रहा होगा. अब यहाँ पे कौन सा सेल है इस ऑर्गेन सिस्टम का? इस ऑर्गेन सिस्टम का जो सेल है, यानी कि जो बेसिक यूनिट है, उसे हम बोलते हैं नर्व सेल, और यू कैन से न्यूरॉन. इसका हिंदी होता है तंत्र कोशिका. ठीक है, इसका हिंदी क्या है? तंत्र कोशिका, तंत्रिका कोशिका. तो नर्व सेल क्या आ गया? नर्व सेल, इट इज़ ऑल्सो नोन एज न्यूरॉन. इट इज़ डिफाइंड एज द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी. ठीक है, सो लॉन्गेस्ट सेल, विच इज लॉन्गेस्ट सेल? नर्व सेल. ठीक है, नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस नर्व सेल. सो फॉर दैट पर्पज आई हैव ड्रॉन दिस डायग्राम. सो इज इट विजिबल टू यू? सो इन दिस डायग्राम यू ऑल कैन सी दैट देयर इज अ स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर. सो दिस स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर, इट इज नोन एज साइटोन. व्हाट इज दिस नोन एज? This is known as cyton. In Hindi, it is known as Koshika Kai. In Hindi, it is known as Koshika Kai. So, this is cyton. After that, you can see inside, you all know that all the cells are living. So, it consists of a nucleus. So, the nucleus, this is the nucleus of nerve cell. Then, at the end of or at the tip of all the star shaped, you can see there are branches. So these branches are known as dendrites, and in Hindi dendrites are known as vrikshika. इसे क्या बोलते हैं? वृक्षिका बोलते हैं. उसके बाद the stalk, it has a long stalk, okay?
So this stalk is known as axon, AXON. इसका हिंदी होता है तंत्री काक्ष. अब नाउ नेक्स्ट थिंग, ये जो एक्सॉन होता है और ये साइटोन, पूरा साइटोप्लाज्म से हमें पता है कि सेल का स्ट्रक्चर जो होता है उसमें न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है. तो दिस इज़ द न्यूक्लियस एंड दिस एंटायर स्पेस इज द साइटोप्लाज्म विच इज़ फिल्ड विद द साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड एंड दिस इज़ नोन एज, व्हाट इज़ दिस नोन एज, दिस इज़ नोन एज न्यूरोप्लाज्म. ओके, सो दिस इज़ न्यूरोप्लाज्म एंड द एंड देर आर एक्सॉन टर्मिनल विच इज़ द एंड ऑफ ईच ऑफ द नर्व सेल. अब होता क्या है, ह्यूमन बॉडी में एक नर्व सेल, मिलियन ऑफ नर्व सेल्स होते हैं. अब आती है बात कि ये नर्व सेल्स कैसे अरेंज होते हैं. ठीक है, तो ये नर्व सेल्स जो वो कॉन्सिक्यूटिवली अरेंज होते हैं. ये एक नर्व सेल हुआ, उसके नीचे दूसरा नर्व सेल होगा. अब जो दूसरा नर्व सेल होगा वो अटैच कैसे होगा या वो लोकेटेड कैसे होगा, ये इसका एक्सॉन एंडिंग, उसके नीचे जो आएगा वो दूसरे सेल का आपका साइटोन आएगा. ठीक है, और ये रहा आपका डेंड्राइट्स. क्लियर, मतलब कि एक का एक्सॉन दूसरे के डेंड्राइट से मैच करता है. अब क्या होता है, यहाँ पर कुछ स्पेस होते हैं, ये दोनों कनेक्टेड नहीं होता है, देयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ स्पेस एंड दिस स्पेस इज नोन एज साइनैप्स, इसे हम बोलते हैं साइनैप्स. और इसी गैप में क्या होता है, ये जो एंड है यहाँ से केमिकल सीक्रेट होता है जिसे बोला जाता है न्यूरोट्रांसमीटर. न्यूरोट्रांसमीटर इज़ अ केमिकल विच ट्रांसमिट्स द मैसेज फ्रॉम वन नर्व सेल टू द अदर नर्व सेल. अब इसी तरह से एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे में मैसेज जाता है और वो फाइनली कहाँ जाता है, हमारे मसल सेल को रिस्पॉन्स मैसेज देता है कि क्या रिस्पॉन्स शो करना है. सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल और न्यूरॉन, और हिंदी इट इज़ नोन एज तंत्रिका कोशिका. सो ये क्या है, दिस इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. क्लियर, नाउ अब हम आते हैं व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम. सो सी, नर्वस सिस्टम इज़ क्लासिफाइड इंटू थ्री टाइप्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो बेसिक मेन नर्वस सिस्टम होता है जिसमें क्या क्या आता है, हमारा ब्रेन आता है और हमारा स्पाइनल कॉर्ड आता है. ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कंस्टिट्यूट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. उसके बाद आते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल द नर्व्स विच अराइजेस फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो भी नर्व्स निकलते हैं, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो भी नर्व्स निकलते हैं उसे हम बोलते हैं, वो बनाते क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. अब इसमें दो तरह के नर्व्स होंगे, ब्रेन से जो निकलेगा उसे हम बोलेंगे क्रेनियल नर्व्स, जिसका टोटल नंबर होता है ह्यूमन बींग में 12 पेयर्स, यानी कि टोटल 24. देन जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं उसे हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स, जिसका टोटल नंबर होता है 31 पेयर्स, यानी कि 62 नंबर होता है टोटल. दिस इज द नंबर ऑफ नर्व्स इन द ह्यूमन बींग. ओके, नाउ नेक्स्ट थर्ड क्लासिफिकेशन इज ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जो कि दो पार्ट में क्लासिफाइड है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक. तो इसका ज़्यादा रोल नहीं है, ये सिर्फ हमारे इमरजेंसीज में काम करते हैं, जब हमारा बॉडी किसी फियर में या किसी डेंजर में आता है तब ये यहाँ पे रोल प्ले करते हैं. तो नाउ हियर वी आर मेनली गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहले आते हैं. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट है, ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है. पहले ब्रेन की बात करते हैं. ब्रेन कहाँ होता है, ब्रेन इज़ लोकेटेड इनसाइड अ बॉक्स विच इज़ नोन एज क्रेनियम. ठीक है, इसका कवरिंग जो होता है ब्रेन का उसे हम बोलते हैं मेनिंजेस. आपने सुना होगा कभी किसी को मेनिंजाइटिस हो गया, ये मेनिंजाइटिस क्या है, ये ब्रेन का जो मेम्ब्रेन है मेनिंजेस, इसी का इन्फ्लेमेशन होता है, दैट इज़ नोन एज मेनिंजाइटिस. ठीक है, अब ब्रेन का तीन पार्ट होता है. फर्स्ट इज़ सेरेब्रम, ठीक है, विच इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन. सेकेंड इज़ सेरेबेलम एंड थर्ड इज़ मेडुला ऑब्लोंगेटा. सेरेब्रम का क्या होता है, सेरेब्रम की जो हम बात करते हैं तो सेरेब्रम जो है उसका हिंदी होता है प्रमस्तिष्क. ठीक है, ये प्रमस्तिष्क होता है, ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है. ये दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, राइट एंड लेफ्ट. ठीक है, और ये दोनों पार्ट जो है, राइट और लेफ्ट पार्ट जो है, बीच में जुड़ा किससे होता है, एक बैंड ऑफ नर्व फाइबर से, जिसका नाम है कॉर्पस कैलोसम. कॉर्पस कैलोसम, ठीक है. अब इसका फंक्शन क्या है, सेरेब्रम जो है वो बेसिकली जो हमारा थिंकिंग पावर है, इंटेलिजेंस पावर है,
रीजनिंग पावर है, लॉजिकल पावर है, वो उसको रेगुलेट करता है। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं सेरेबेलम। अब सेरेबेलम को क्या बोलते हैं, अनु मस्तिष्क। ठीक है, सेरेबेलम का हिंदी होता है अनु मस्तिष्क। सेरेबेलम क्या है, सेरेबेलम का जो मेन फंक्शन है, इट कंट्रोल्स ऑल द वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ ऑफ आवर बॉडी। गर्ल्स यहाँ पे वो एक्टिविटीज़ वॉलेंट्री मतलब क्या हुआ, दे आर टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म्ड इन आवर बॉडी, वन इज़ वॉलेंट्री एंड द अदर वन इज़ इनवॉलेंट्री। दोनों में डिफरेंस क्या है, वॉलेंट्री फंक्शन जो होता है द फंक्शन विच आर अंडर आवर ओन कंट्रोल, दैट्स ए मूवमेंट ऑफ हैंड्स, मूवमेंट ऑफ लेग्स, दीज आर मूवमेंट ऑफ लिप्स। बट ऑन द अदर हैंड इनवॉलेंट्री फंक्शन क्या हो गया, इनवॉलेंट्री फंक्शन आर दोज फंक्शंस विच आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल, दोज फंक्शंस आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल, वी कैन नॉट परफॉर्म इट बाय आवर ओन विश। फॉर एग्जाम्पल हार्ट बीट, मूवमेंट ऑफ फूड इन द फूड पाइप, सो दीज आर द इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज। सो सेरेबेलम रेगुलेट्स वॉलेंट्री एक्टिविटीज एंड ऑल्सो बैलेंस ऑफ द बॉडी। ठीक है, क्या होता है, सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्कूल के दिनों में पूछा जाता है कि वेन एवर अ पर्सन इज ड्रंक व्हाई डू ही फॉल, व्हाई डज ही फॉल। ओके, सो व्हाट इज द आंसर, सिंपली क्या होता है, जब भी कोई आदमी ड्रंक करता है उसका सेरेबेलम इफेक्टेड हो जाता है, जब सेरेबेलम इफेक्टेड हो जाता है ऑब्वियसली बात है वो अपना बैलेंस खो देता है एंड दैट्स व्हाई ही फॉल्स। ठीक है, सेरेबेलम का दो फंक्शन है, इट रेगुलेट्स अ वॉलेंट्री एक्टिविटीज एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट आते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा पर। मेडुला ऑब्लोंगेटा इट परफॉर्म्स और रेगुलेट्स ऑल द इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज। ठीक है, तो वॉलेंट्री कौन, सेरेबेलम, इनवॉलेंट्री कौन, मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या है, इट इज़ जस्ट द एक्सटेंशन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा इन द बैक ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, आपको सब पता है स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है। अब इसका फंक्शन क्या है, इट्स अ बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दैट इज़ इट रेगुलेट्स और इट परफॉर्म्स द रिफ्लेक्स एक्शन। अब ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, दिस आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो अभी पहले हम आते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे जब हम आते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या देखें, स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व। आई विल डिस्कस स्पाइनल नर्व अराइजेस फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, क्रेनियल नर्व अराइजेस फ्रॉम ब्रेन। ठीक है, नाउ सो दिस वॉज अबाउट द नर्वस सिस्टम, इंट्रोडक्शन समझ में आ गया। देन आई हैव टोल्ड यू अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल विच इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। देन आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, जिसमें कि आपको मेन जो पढ़ना है आपके सिलेबस में जो है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अभी हमारे पास टाइम है, सो लेट अस गो टू रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन जो है ये एक इमीडिएट इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स, स्पॉन्टेनियसली ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है। ठीक है, चार वर्ड है यहाँ पे, इमीडिएट, स्पॉन्टेनियसली, ऑटोमेटिक, इनवॉलेंट्री। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन के लिए एकदम इमीडिएट होता है, स्पॉन्टेनियसली आपका एकदम आपको मिली सेकेंड लगेगा वो रिस्पॉन्स, कोई भी रिस्पॉन्स आपको शो करने में। ठीक है, अब ये रिफ्लेक्स एक्शन जो है इसका एक पाथ होता है। ठीक है, ये ऐसे नहीं होता है, रिफ्लेक्स एक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया ऐसी अनैच्छिक क्रियाएं जो किसी उत्तेजना के फलस्वरूप हमारे दैनिक जीवन में अपने आप होती हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। मतलब उसके लिए हमको कुछ बहुत सारी ऐसी रिफ्लेक्स एक्शन, कुछ रिफ्लेक्स एक्शन ऐसी इसके लिए हमको सीखना पड़ता है, बट कुछ क्या है वो ऑटोमेटिकली हो जाती हैं, वो आपको सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे आपको कोई सिखाया है कि गर्म चीज़ें आपको हाथ छू तो आपको हटाना है, नहीं, वो ऑटोमेटिक आप खुद को खुद करते हो। एक छोटा बच्चा भी अगर गर्म चीज़ छूता है तो वो अपना हाथ हटा लेता है, तो दैट इज़ ऑटोमेटिक, नो नीड टू लर्न एनीथिंग फर्दर। अब ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये एक पाथ में फॉलो होता है, यानी कि इसका एक प्रोसेस होता है, एक स्टेप बाई स्टेप इसका होता है प्रोसेस, जिसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। अब ये रिफ्लेक्स आर्क कैसे होता है, नाउ लेट अस सी द रिफ्लेक्स आर्क। दिस इज द डायग्राम शोइंग रिफ्लेक्स आर्क। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने क्या हुआ, यहाँ पर किसी ने गर्म चीज छुआ है। ठीक है, गर्म चीज कौन छू, किस पर टच होगा, स्किन में, तो यू ऑल नो दैट स्किन इज अ सेंस ऑर्गेन। अब वो सेंस ऑर्गेन से सेंसरी न्यूरॉन निकलेगा। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन जो है वो चला जाएगा स्पाइनल कॉर्ड। आप लोग जानते हो कि रिफ्लेक्स एक्शन में किसका रोल होता है, सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड का। अब ये कहाँ जाएगा, ये गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्पाइनल कॉर्ड के पास। अब वहाँ पे मैसेज, वहाँ पे क्या होगा, क्या रिस्पॉन्स करना है, वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगी कि आपको क्या रिस्पॉन्स करना है। जब वहाँ पे ये प्रोड्यूस हो गया रिस्पॉन्स,
फिर वहाँ से मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन कौन सा न्यूरॉन होता है, जो सेंस, जो स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज को ले जाता है मसल सेल्स के पास। अब वहाँ से मोटर न्यूरॉन मैसेज को लेकर आ रहा है कि उसको करना क्या है। अब वहाँ से आया मोटर न्यूरॉन लेकर आया, अब वहाँ पर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा, ठीक है। रिस्पॉन्स क्या प्रोड्यूस होगा, ऑब्वियसली बात है हाथ हटा लेना। तो दिस इज़ अ कम्प्लीट रिफ्लेक्स आर्क, और यू कैन से रिफ्लेक्स एक्शन। हियर यू कैन सी, पहले स्टिमुलस होता है, फिर सेंस ऑर्गेन होता है, फिर क्या होता है, सेंसरी न्यूरॉन होता है। आफ्टर दैट इट गोज़ टू स्पाइनल कॉर्ड, देन इट गोज़ टू मोटर न्यूरॉन, देन इट गोज़ टू इफेक्टर ऑर्गेन, और यू कैन से मसल सेल, देन इट शोज़ द रिस्पॉन्स। सो दिस इज़ अबाउट द रिफ्लेक्स आर्क, इट इज़ वेरी सिंपल, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, बस दो न्यू टर्म इसमें ऐड हो जाते हैं, सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। क्लियर? सो दिस वॉज ऑल अबाउट, दिस इज़ ओनली वॉट यू ऑल हैव टू स्टडी, वॉट इज़ मैंशन इन योर सिलेबस। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। क्लियर? अब एक और चीज़, रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंपल और एक होता है कंडीशन, ठीक है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट देन आई ऑल्सो आई एम एक्सप्लेनिंग यू। सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन होता है जो ऑटोमेटिकली आपको पहले से मतलब पता है, ठीक है। जैसे कि गर्म चीज़ को छूने से हाथ हटा लेना, कुछ अगर ट्रिक होता है तो आप उस पर रिस्पॉन्स शो करते हो। बट कुछ ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं जैसे टाइंग ऑफ द लेस, ठीक है, शू लेस जब बांधते हो तो दैट इज़ ऑल्सो रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। कहीं गिर जाते हो तो वो उठ जाते हो, तो दैट इज़ ऑल्सो रिफ्लेक्स एक्शन। तो दीज आर द डिफरेंट रिफ्लेक्स एक्शन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट, अब आपको जब व्हेनेवर यू आर गोइंग टू प्रिपेयर अ नोट्स, यू हैव टू make sure that you just write an introduction, then a structure of nerve cell, describe the structure, okay, then in short give the about, describe about the classification, and finally you just have to write a short note on reflex action, what is reflex action, and show the diagram of reflex arc. Clear? Thank you girls.